धूमधाम से मनाया गया श्री कृष्ण जन्मोत्सव चांदा सुल्तानपुर चांदा क्षेत्र के इसीपुर गांव में चल रही सप्त दिवसीय श्रीमद भागवत कथा के चतुर्थ दिवस में श्री धाम अयोध्या से पधारे भगवताचार्य डॉक्टर गिरीश तिवारी जी महाराज ने कहा कि जब हमारी वृत्ति परमात्मा से लगेगी तो संसार गायब हो जाएगा, परमात्मा ही परम सत्य का ज्ञान है। श्री आचार्य जी ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि प्रश्न यह है कि परमात्मा संसार में घुले मिले हैं तो संसार का नाश होने पर भी परमात्मा का नाश क्यों नहीं होता। इसका उत्तर यही है कि भगवान संसार से जुड़े भी हैं और अलग भी हैं। आकाश में बादल है और बादल के अंदर आकाश तत्व है। बादल के गायब होने पर आकाश गायब नहीं होता, इसी तरह संसार गायब होने पर परमात्मा गायब नहीं होता। संसार की कोई भी वस्तु भगवान से अलग नहीं है। ध्रुव चरित्र पितु महाराज वेणु का आख्यान का वर्णन किया। कथा प्रसंग में जैसे ही भगवान कृष्ण के जन्म का प्रसंग आया वैसे ही पूरे पंडाल में नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गीत से वातावरण भक्तिमय हो गया। कथा के आरंभ में मुख्य यजमान राधा देवी पत्नी ओम प्रकाश मोदनवाल ने व्यासपीठ व व्यासपीठ पर विराजमान कथा व्यास डॉक्टर गिरीश तिवारी जी महाराज का पूजन अर्चन किया। कथा में पुनीत टिंगू रवि मोदनवाल राज बहादुर तिवारी पीटी मास्टर धरडीधर मिश्रा पप्पू मिश्रा व बड़ी संख्या में भगवत प्रेमी श्रीमद भागवत कथा का श्रवण किए। जय हो।